हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि इस कंपनी ने TCS से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आंसर की दी है, मॉडिफाई की। RRB JEE की आ चुकी है, आप लोग भी देख पाएंगे उसे अभी, और आप लोग देखेंगे कि इतना इजी और इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने समझाया है कि ऑप्शन है आपके पास एग्जाम की डिटेल का, जिसमें कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद आपको की चेंजेस, की में क्या चेंजेस किए गए हैं वो दिया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्शन की समरी दी गई है कि ऑब्जेक्शन की समरी क्या है। फिर आप लोग ऑब्जेक्शन की समरी भी देखेंगे कि ऑब्जेक्शन किस क्वेश्चन पे किया था, उसका क्या आंसर है। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आपको देखना पड़ रहा था कि यार मेरी पूरे पूरे 100 क्वेश्चन देखने पड़ रहे थे कि किस क्वेश्चन को इन्होंने चेंज किया है, किसको नहीं किया है। यहाँ डायरेक्ट पता चल जा रहा है, देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किस तरह से इन्होंने किए हैं। ये देखिए, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे अपना की चेंजेस पे, कि हमारी की में क्या चेंजेस हुए हैं, और ऑब्जेक्शन अगर किया था तो आप ऑब्जेक्शन की समरी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम डिटेल्स तो दी हुई हैं, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो अब डिक्लेयर किया है वो बी है, और रिवाइज आंसर, देखो जो डिक्लेयर की में था वो बी था, और रिवाइज जो की में आंसर है वो हिंदी और मराठी में बी है, हिंदी मराठी बंगाली में डी है, और इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस में बी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि इसका रीज़न क्या रहा है, तो ये रीज़न भी दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इजीली उन्होंने रीज़न बताया है कि द ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस हैज़ बीन चेक्ड एंड ए वेरिएशन हैज़ बीन फाउंड इन द ट्रांसलेशन इन हिंदी। ड्यू टू दिस द की इज़ चेंज टू ऑप्शन 45 मिनट्स इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो आंसर आया 45 मिनट्स। ये क्वेश्चन था पाइप एंड सिस्टर्न वाला, शायद मैंने, क्योंकि इसी इसी कैंडिडेट का मैंने पहले देखा था। तो देखो अभी मैं दिखा देता हूँ, अगर की में भी होता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब आपको कोई परेशानी झेलने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ऑब्जेक्शन किया था डायरेक्ट आप ऑब्जेक्शन वाले सेशन में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने अपनी की में चेंजेस देखने तो डायरेक्ट चेंजेस में जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ भाई क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर तो ये आपको डिटेल देनी थी। अब जैसे हमने ऑब्जेक्शन समरी पे किया, तो हमने कोई भी, इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हुआ है, तो नो ऑब्जेक्शन इज़ रेज लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाँ भाई ये हमारी डिटेल्स वगैरह दिखा रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने पहले अपनी की में मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि मेरी की में जो उसका आंसर था क्या था और अब क्या आंसर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग अपनी आंसर की देख सकते हैं। और हाँ, अब मैं बता दूं कि अगर इस की के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स 50 to 60 के बीटवीन, मतलब इनके बीच में अगर आ रहे हैं OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए, तब आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका CBT 1 निकल जाए। लेकिन ध्यान रखना, CBT 2 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। ऐसा नहीं है कि CBT 1 के हिसाब से ही आप लोग सोचें कि इतनी कम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने देखा कि अभी RRB इलाहाबाद की कट ऑफ मैंने अभी अपलोड की है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाके कि 92 100 में से 92 कट ऑफ चली गई है। तो नंबर ऑफ लेक, मैंने तो बताया था कि मैंने जो कट ऑफ बनाई थी आप लोग जाके देखें, सबसे पहले RRB की कट ऑफ बनाई थी, तो आप लोग देखेंगे कि RRB ALP की कट ऑफ मैंने दिखाई थी, तो विश्वास मानिए उससे भी ऊपर कट ऑफ चली गई है। और उसके नीचे आप जाके कमेंट देखेंगे तो बच्चे बोल रहे थे कि 88 मार्क्स कौन लेके आएगा, और यहाँ देखो कि 88 मार्क्स कौन लेके आएगा, आप कह रहे हो कौन लेके आएगा। यहाँ पे 85 वाले का तो वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है, 85 वाले का तो वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को ना देखें, और आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई कट ऑफ ठीक सी बन जाती है तो ज़्यादातर लोग उसे डिसलाइक करके चलते हैं, लेकिन डिसलाइक करने से कुछ नहीं होता है, रियलिटी वही है, कट ऑफ इससे कम रहने वाली नहीं है। हम लोगों को मजबूरन की यार हमारी जो वीडियोज़ आ रही हैं उन पे सब पे डिसलाइक्स जा रहे हैं, तो हम लोग भी फिर कट ऑफ को कम करते चले जाते हैं, लेकिन उससे आप लोगों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा भैया। बहुत लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि किसी ने 40 बता दिया तो 40 पे कट ऑफ चली जाएगी, ठीक है। फिर बस यही चीज़ें थी जो बतानी थी आप लोगों को। एक बार ज़रा आप इलाहाबाद RRB, मैं इसके नीचे लिंक दूंगा, आप RRB इलाहाबाद की कट ऑफ देखो, और फिर बताना कि हाँ सर बहुत अच्छा, 700 वैकेंसीज थी लगभग, 731 के आसपास, 731 वैकेंसीज होने के बावजूद ये कट ऑफ रही है। तो आप लोग विश्वास मानिए कि आगे कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।